हमारे ये मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन प्रकाश, मीडिया प्रेसिडेंट, नाग विदर्भ चैंबर ऑफ कॉमर्स नागपुर। दोस्तों ये वीडियो मैं 1 फरवरी 2022 को बना रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ ही देर पहले हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट संसद में पेश करा। ये बजट के बारे में मैं कुछ ये कहना चाहूंगा कि ये बजट हमारे हिसाब से व्यापारी, छोटे व्यापारियों के हिसाब से निराशाजनक है। हमको इसमें बहुत कुछ मिला नहीं है। हमको जरूर उम्मीद थी कि हमारे टैक्स लैब में कुछ कमी करेंगे, हमको पेंशन योजना देंगे, मगर इस बारे में कुछ भी मैडम ने कहा नहीं है। लेकिन मैडम ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है, टायर 2 सिटीज टायर 3 सिटीज को डेवलप करने की बात कही है, जिससे आने वाले समय में जो गांव से पलायन होकर शहरों महानगरों की तरफ जा रहे हैं वो इन छोटे शहरों में जाएंगे ताकि महानगरों का लोड कम होगा। मैडम ने एमएसएमई में 2,00,000 करोड़ रुपए और फूके हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी छोटे ट्रेडर्स को निराशा है, हमको किसी भी प्रकार की रियायत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक ये बजट इस प्रकार से ना कुछ लिया ना कुछ दिया, एक मिला जुला है। आम आदमी के लिए भी स्टेटस सेम है, उसको भी ना कुछ महंगाई बढ़ेगी ना कम होगी, इस प्रकार का ये बजट है। ये बजट अपने आप में एक इस प्रकार का बजट है कि छोटे ट्रेडर्स जो कोविड के कारण परेशान थे उनको किसी भी प्रकार की रियायत ये बजट में नहीं दी गई। हमको अगर छोटे ट्रेडर्स को अगर मैं ये समझूं कि हमारी जो डिमांड थी कि हमको कुछ रिलीफ पैकेज मिले, अगर टैक्स लाभ कम होता है तो मिल जाती हमको रिलीफ, अगर बैंक इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हमको उसमें भी रिलीफ हो जाती है। जरूरी नहीं हमको आप स्पेशल पैकेज दीजिए, आप किसी भी प्रकार का हमको रिलीफ दे सकते थे, लेकिन इस बजट में उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बजट ओवरऑल मिला जुला, ना कुछ लिया ना कुछ दिया। धन्यवाद। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।